ये आपका जो सिंथेसिस टॉपिक था मोस्ट इम्पोर्टेंट था और वो आप कर चुके हैं, जिसमें तीन चीज़ें आपने की थी। अब एक नया टॉपिक है प्रीपोजिशंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। प्रीपोजिशंस कभी 3 नंबर की आती हैं, कभी 5 नंबर की आ जाती हैं, कहीं करेक्शन में मिलता है। तीन टाइप के सेंटेंस आप ध्यान रखें, स्पॉटिंग द एरर्स, सेकेंड आपका इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक। क्लियर? तो ये प्रीपोजिशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू में जो 10-12 प्रीपोजिशंस हैं, प्रीपोजिशंस का रूल है क्या, प्रीपोजिशन क्या है? जैसे मैं आपसे कहूं, एग्जाम्पल कहूं, द बुक इज टेबल, द बुक इज द टेबल। तो इसमें दो सब्जेक्ट हैं, एक बुक है एक टेबल है। द बुक इज टेबल, द बुक इज द टेबल, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब दो सब्जेक्ट हैं और हम उसको ऐसे रख दें तो उसका अर्थ हमें समझ में नहीं आता। रीजनिंग में तो आपने सुना है कि बुक टेबल है, टेबल ये है, ठीक है। लेकिन जब हम, अब प्रीपोजिशंस का रोल क्या है, प्रीपोजिशंस का रोल ये है कि वो दो सब्जेक्ट के बीच रिलेशन स्टैब्लिश करता है। अगर मैं इसके बीच, दोनों सब्जेक्टों के बीच यहाँ पर ऑन लगा दूँ, द बुक इज ऑन द टेबल, तो इसका मतलब प्रीपोजिशंस क्या हो गई, प्रीपोजिशंस ये हो गई कि जो दो सब्जेक्ट के बीच रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशंस, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशंस। दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशंस, सही है? तो यानी कि जब दो सब्जेक्टों के बीच जो रिलेशनशिप बनाते हैं उनको कहते हैं प्रीपोजिशन। अब ऐसे ही देखें, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर है और मेरे हैंड है, दो सब्जेक्ट हो गए, मार्कर इज हैंड, गलत हो गया, मार्कर इज इन माई हैंड। इन कहते ही इसका हैंड का और इसका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया। अब बात करते हैं, ऐसे ही प्रीपोजिशंस की बात कर रहे हैं कि इन और इन टू में क्या डिफरेंस है, बेसिक प्रीपोजिशंस कर रहे हैं। अब ये इन और इन टू दोनों का अर्थ में है, लेकिन जो इन होता है ये तो होता है मोशन लेस, मोशन लेस। इसका मतलब एक वर्ड और आता है स्टैटिक, एंटोनिम्स में है, जिसमें कोई गति ना हो, आराम से बिल्कुल बैठा हुआ है। इनटू का मतलब यहां पर मोशन होती है, गति होती है, गति होती है। कैसे, किस तरीके से, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। देखें, राम इज वर्किंग डैश हिज ऑफिस, एक तो ये सेंटेंस है, एक दूसरा सेंटेंस, राम जम्प्ड डैश द पॉन्ड मोहन केम डैश द रूम, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम ले सकते हैं। लेकिन सबसे मेन बात है हमें कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट है क्या। पहले सेंटेंस की बात करें, राम काम कर रहा है अपने ऑफिस में, ऑफिस में बैठा हुआ है, काम कर रहा है, ठीक। तो वहां पर कोई मोशन नहीं है, गतिशीलता नहीं है, तो हमने लगा दिया इन, क्लियर। लेकिन जैसे आपने दूसरा सेंटेंस देखा, राम जंप्ड, जंप्ड जो वर्ब है वो बता रही है उसमें गति है, मोशन है, तो यहां पर लगाना चाहिए इन टू, क्लियर। और मोहन आया, ये भी गतिशीलता है, मोहन केम इन टू, क्लियर, केम इन टू, इस तरीके से आता है। एक और है, ये इडियम है, पुलिस लुक डैश द केस, ये इडियम है, पुलिस ने केस में जांच पड़ताल की, तो वहां लुक्ड इनटू आता है, ये इडियम है, क्लियर। ये अर्थ बेस नहीं है, ये मीनिंग बेस नहीं है, ये एक इडियम ही है, लुक्ड के साथ इनटू आता है जब जांच पड़ताल करने की बात आती है। तो हमें क्लियर हो गया इन और इनटू में क्या डिफरेंस है, सही है।
नेक्स्ट करते हैं, दूसरा वर्ड लेते हैं, दूसरा वर्ड लेते हैं ऑन और अपॉन। ये बेसिक वर्ड है जो आपने सुने होंगे, ऑन अपॉन, दोनों का अर्थ होता है पर। फिर वही वाली बात है, ये तो होता है मोशनलेस, जिसमें कोई गति नहीं है, गति न हो, क्लियर। और अपॉन का मतलब मोशन, जहां पर गति होती है, सही है। ये आपका है, एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करें। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, द बुक इज डैश द टेबल। दूसरा एग्जांपल देखें, द कैट जंप्ड डैश द रैट, क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अर्थ देखेंगे, ये लगभग 10-12 प्रीपोजिशंस हैं जो बेसिक अर्थ पर डिपेंड करती हैं। किताब जो है वो कहाँ पर रखी हुई है, टेबल पर, बस रखी हुई है। मार्कर जो है वो मेज पे रखा हुआ है, तो वहां पर की सेंस आएगी और वहां पे कोई गति नहीं होगी। लेकिन जैसे ही ये वर्ब ऐसी आएंगी जो आपको खुद बताएंगे, मोशन हो रहा है, गति हो रही है, द कैट जंप्ड, क्या आना चाहिए, अपॉन, क्लियर। एक और ध्यान आ रहा है, एक वर्ड, द लॉयन पाउंस्ड। पाउंस्ड का मतलब होता है टूट पड़ना, अपॉन द प्रे, प्रे माने होता है शिकार, जिसका शिकार हो रहा है उसके ऊपर वो टूट पड़ा। शेर जो है, हिरन था मान लीजिए, प्रे हिरन हो सकता है जिसका वो शिकार कर रहा है, शिकार पर टूट पड़ा। तो जब गतिशीलता आती है और पर आ रहा हो, तो आपको ऐसे वर्ड ध्यान रखने हैं, क्लियर। ये आपका बेसिक वर्ड था जो मैंने आपको बताया, अभी कुछ वर्ड और बता रहा हूँ आपको, तो ऐसे चलेंगे शुरू में स्टार्टिंग क्लासेस। एक वर्ड होता है एट। एट का मतलब आपको पता होना चाहिए, फिक्स टाइम के लिए आता है, फिक्स्ड टाइम। जैसे एग्जांपल, राम केम डैश 5 o'clock, तो क्या आएगा, एट 5 o'clock, एट 2 o'clock, इस तरीके से ही आता है। एक तो एट इस तरीके से आता है फिक्स टाइम के लिए, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम के लिए। एक एट कुछ पर्टिकुलर वर्ड हैं, जैसे लुक है, लाफ है, मॉक है, जियर है, स्माइल है, नॉक है, और भी एक दो वर्ड है, लेकिन जो मेन वर्ड है मैंने आपको लिखवा दिया। अभी आप कहोगे, सर अभी आपने बताया था लुक के साथ तो इनटू आता है, लुक इनटू, वहां पर था किसी मामले की जांच पड़ताल करने के अर्थ में आए तो लुक इनटू। लेकिन जब मैं आपसे कहता हूं लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पर देखिए, किसी चीज पर फोकस करने के लिए, ये बोर्ड है हमारा, मैं कहूं यहां पर इस वर्ड को देखो भाई, लुक एट दिस वर्ड, तो यानी कि आपको प्रीपोजिशंस पूरे बोर्ड को नहीं देखना, आपको यहां, हाँ भाई यहां देखो ये क्या लिखा है, आप कहोगे सर ये तो एट लिखा हुआ है, हाँ ये इस पर फोकस कीजिए, लुक एट दिस वर्ड, लुक एट दिस वर्ड, ठीक है। तो ये आता है लुक एट, जब किसी को फोकस करना होता है, लाफ करना, किसी की हंसी उड़ाना। तो जब ये पहले वर्ड की मीनिंग समझ लें, मॉक का मतलब भी हंसी होता है, जियर का मतलब भी हंसी होता है, स्माइल का मतलब भी हंसी होता है, ठीक, और नॉक का मतलब दरवाजा खटखटाना। इन जब भी ये वर्ड यूज हो रहे हो, ही लाफ डैश मी, तो आपको लाफ डालते ही आपको क्या लगाना है, सर एट आ रहा है, क्लियर। कोई भी वर्ड है नॉक, उसने खटखटाया,
डैश द डोर, क्या खटखटाएगा वो, दरवाजा, नॉक एट द डोर। तो इस तरीके से वर्ड आते हैं। तो प्रीपोजिशंस में मैंने आपको बताया, जैसे इन, इनटू बता दिया, ऑन अपॉन बता दिया, ऐसी ये पर्टिकुलर वर्ड बता दिए, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई इस तरीके से ये आता है। एक नेक्स्ट वर्ड बताता हूँ आपको, एक छोटा सा रूल, प्रीपोजिशंस बहुत मेन है इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक छोटा सा एक रूल बता रहा हूँ मैं आपको, डायरेक्ट एग्जाम्पल से ले रहा हूँ, ही इज फॉन्ड ऑफ डैश, इसमें मैंने प्रीपोजिशंस अपने आप लगा दी। यहां पे मैं आपको रूल एक समझाना चाह रहा हूं, ही श्योर ऑफ, कुछ वर्ड है जहां पे ऑफ ही आएगा, लेकिन यहां पे मुझे प्रीपोजिशन नहीं समझानी, एक रूल बताना है। जब भी प्रीपोजिशंस आए और यहां पे वर्ब रखनी हो, सिंग नहीं आएगा, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, क्लियर, विनिंग, ठीक, पासिंग, जब भी, तो एक रूल है, ये रूल बिल्कुल माइंड में सेट कर लो, जब भी प्रीपोजिशन हो उसके बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी आएगा, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है, एक वर्ड करते हैं बाय। बाय का अर्थ दो सेंस में आता है, एक तो तक के सेंस में आता है और एक बाय का अर्थ पैसिव वॉइस में आता है, और जिसका मतलब होता है द्वारा, और एक बाय का अर्थ मोड ऑफ ट्रेवल भी आता है, मोड ऑफ ट्रेवल, मोड ऑफ ट्रेवल भी आता है। तो ये तीन अर्थ में देखेंगे, तीन अर्थ में देखेंगे, बस इसका इस वीडियो में इसी वर्ड को करेंगे। बस एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम कहें ही विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय इवनिंग, क्लियर। तो जब भी तक का अर्थ आता है कि भाई शाम तक वह अपना काम कर चुका होगा, जब भी तक के अर्थ में आता है। इस मान लीजिए आप कोई कोर्स कर रहे हैं, कब तक कोर्स खत्म होगा, सर दिसंबर एंड तक कोर्स खत्म हो जाएगा, तो एंड तक, ठीक है, बाय इवनिंग, कल तक, बाय यस्टरडे। अब पैसिव वॉइस की बात करते हैं, पैसिव वॉइस में देखें, ही वॉज पनिश्ड डैश द टीचर, क्लियर। तो ये पैसिव वॉइस है, तो यहां पे व्यक्ति ही होगा, तो क्या लगा देते हैं हम पैसिव वॉइस में, क्या लगाते हैं, बाय का यूज करते हैं, क्लियर। और एक लास्ट मोड ऑफ ट्रेवल, जो भी आप यात्रा के साधन हैं, जैसे आई वेंट देयर डैश कार, बस, एयरप्लेन को एयर कहने चाहे, ट्रेन, ठीक, तो क्या लिखते थे, बाय। लेकिन फूट के लिए, पैदल के लिए हमेशा ऑन फूट, साइकिल के लिए भी ऑन साइकिल, ठीक, वैसे अक्सर ऑन फूट ही देखा होगा आपने, इसको इतना ही रखते हैं।